सब लाइव है yes, सर। तो आप बताएंगे आज क्या क्लास थी आज आपकी? आईसी रिबॉलिंग की और कंपोनेंट की। यस सर। आज आपका पहला दिन था। यस सर। तो पहले दिन में जो नॉलेज मिला है ये आपके चार या पांच साल में नॉलेज था क्या? नहीं सर। तो पांच साल भारी है यस सर। एक दिन में यस सर। आज से पहले आज जो आप सवेरे मॉर्निंग में आए तो क्या आप कोई रिबॉलिंग करना जानते थे? नहीं सर। तो आज फर्स्ट टाइम किया आपने? यस सर। किस किस ने करा? यस सर। आपने किया? सबने किया? यस सर। कितनी कितनी बार करा? पांच पांच बार। पांच पांच बार? यस सर। छह छह बार? यस सर। सात सात बार किया? यस सर। अच्छा, ट्रिक के साथ किया कि नॉन ट्रिक के साथ? ट्रिक के साथ। कोई आपको फेलियर गया क्या? नहीं सर। फेलियर नहीं गया। अच्छा ये बताइए, हमारे बताने के बाद, हमने जो तरीका बताया उसके बाद कितनी देर में आपने कर लिया था? पांच पांच मिनट में कर लिया था। मतलब टाइम तो नहीं लगा ना? टाइम तो वेस्ट नहीं किया ना? अच्छा, उसके बाद आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काम आपसे तुक्के में हुआ या प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से। तो जो एक प्रोसेस थी, पूरी प्रोसेस दिमाग में है? यस सर। उसका वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं सर। या थ्योरी लिखने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं सर। हैंड स्किल से किया? यस सर। अब कल बताने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं सर। नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, है ना? कल बताने की हमको जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपकी 10:30 बजे से 10:30 से लेके तो 2 बजे तक आपकी क्लास किसके साथ थी? देव सर के साथ। पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कंपोनेंट के बारे में क्या आपको आज से पहले कभी जानकारी थी? नहीं सर। क्या आपको YouTube वाला कंटेंट मिला? नहीं सर। जो YouTube में वो कंटेंट मिला? नहीं सर। नहीं मिला। उसके बाद जो सर ने पढ़ाया वो थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों बताया? यस सर। वहाँ पर खाली क्या थ्योरी होती है क्या? नहीं सर। पूरा प्रैक्टिकल होता है? यस सर। प्रैक्टिकल के साथ बताया आपको? यस सर। और वही चीज आपने आके कहाँ रिपीट करी? लैब में। आपको फिर 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक दिया? यस सर। 2:30 बजे से 3 बजे तक फिर आपकी क्लास स्टार्ट हुई है? यस सर। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 7 बजे। सवेरे कितनी बजे क्लास हुई थी? 7 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 7 बजे। तो ईशा टेलीकॉम बोलता है कि 12 घंटे पढ़ाता है तो पढ़ाता है। यस सर। तो मैक्सिमम टाइम आपका थ्योरी में बिता या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में। यस सर। यही करने आए थे? यस सर। प्रैक्टिकल का पर्याप्त टाइम मिल रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले आपसे, तो आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम कौशिक, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कौशिक, तो ये बताइए कौशिक, आज से पहले कभी आपने रिकॉर्डिंग किया था? नहीं सर, आज पहली बार किया हूँ, वो भी एशिया टेलीकॉम आके। एशिया टेलीकॉम आके आपने पहली बार किया? मैं 5-6 बार आज रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया। अच्छा। और पहले थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सर जैसे ट्रिक्स बता दिया उसके बाद मेरा 3-4 बार पूरा सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल 5-7 मिनट में? 5-7 मिनट में हुआ। यस सर। तो अभी बताने की जरूरत है क्या आपको? नहीं सर, अभी दुनिया का कोई सा भी अगर इमेज देते तो बनाने में सक्षम है? हाँ, बना। अच्छा, जो आज आपकी देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास हुई, तो क्या आज से पहले ये जानकारी थी आपको? नहीं सर। मल्टीमीटर चलाते आता था आपको? नहीं सर। किसी भी प्रकार से मल्टीमीटर चलाते आता था? तो अभी आपके पास जो कंपोनेंट 1 की क्लास हुई जिसमें 2 कंपोनेंट बताया गया आपको, तो उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। उसको टेस्ट करने के लिए? नहीं सर। थ्योरिकली बाय प्रैक्टिकली किसी भी प्रकार का कोई बक्स या हिरर है आपको? नहीं सर। अगर मैं आपको दुनिया का कोई सा भी अगर पीसीबी देता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि इसमें थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो, मैं बता दूंगा सर। बता देंगे आप? यस सर। अच्छा, तो किसी भी कंपोनेंट की आप रजिस्टर की अगर रीडिंग लेना हो तो बता देंगे? हाँ, वो भी कर लूंगा। कैपेसिटर बहुत प्रकार के आते हैं। हाँ। तो आप चेक करने में सक्षम है कि नहीं? हाँ, चेक करने में मैं सक्षम हूँ। दो 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 लेग का हो? हाँ, दो लेग का, 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 का हो, फोर लेग का हो, फोर लेग का हो, कोई भी कैपेसिटर मैं रीडिंग लेने में सक्षम हूँ सर। सक्षम है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। सर, मेरा नाम चंचल सिंह है, मैं हिमाचल से हूँ। जी चंचल, बताइए। सर, मेरे को एशिया टेली में आके बहुत बढ़िया लगा जी। मेरा सर यहाँ पे आज फर्स्ट डे था, तो सुबह आते ही हमने 7 बजे आईसी रिबॉलिंग की क्लास थी हमारी जी। तो 5-7 बार हमने सर आईसी रिबॉलिंग किया, बहुत ट्रिक से किया जी। तो उसके बाद हमारी थ्योरी क्लास थी देव सर के साथ ही। ओके। तो बहुत बढ़िया लगा सर, थ्योरी क्लास में देव सर के साथ भी जी। जैसे हमने आज कंपोनेंट की नॉलेज ली सर। ओके। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया, कंपोनेंट की नॉलेज भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से दी सर। ठीक है। हाँ जी। और अभी उसका फिर प्रैक्टिकल कैसे किया आपने? पूरा प्रैक्टिकल किया? यस सर, अभी हमने लाइव प्रैक्टिकल किया उसी का जी। तो बहुत अच्छा लगा सर। किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं सर। मल्टीमीटर चलाना जानते थे आप? नहीं सर, पहले नहीं जानते थे। में ये टाइप होता है, ये काम होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये मालूम था क्या? नहीं सर, पहले नहीं मालूम था। थर्मिस्टर ढूंढ लोगे आप? यस सर, अभी तो किसी भी पीसीबी में देखो सर, ढूंढ लेंगे। डायग्राम के साथ? बिना डायग्राम के? थैंक यू वेरी मच।
तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, फिर नाम बताइए अपना। मैं सर जयंत आगर वेस्ट बंगाल से हूँ। जी जयंत बताइए। तो जी सर आज फर्स्ट टाइम सर एमएससी ड्यूलिंग का क्लास था मॉर्निंग में। ओके उसके बाद सर गेट सर मेरा पास। कितने टाइम के आपने रुको? 7 बार कितनी 7 बार किया आपने सर? तो अच्छे से किया, ट्रीट से किया सर। अरे बोल ना भाई दूसरा आज। दो मिनट उसके लिए भी आ गए लेते ही रहूँगा, लेकिन उसके लिए लाइव फंड हाँ लेते थे सर। तो उसके बाद सर कंपोनेंट का क्लास था सर का। तो अगर 10 मिनट अगर रोक सकते हो तो मैं तो रोक सकता हूँ 10 मिनट उसके लिए। चलिए तो थोड़ा सा इंटरनेट की खराबी आ गई थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज यूएमसी कितनी बार यूज़ किया? 7 बार किया। 7 बार किया कॉन्फिडेंस के साथ कि लूज कॉन्फिडेंस का? कॉन्फिडेंस के साथ। और उसके बाद आपकी देव सर के साथ क्लास थी? यस सर। जी यूनिट का क्लास था सर। अच्छा फिर कंपोनेंट का नॉलेज मिला आपको? बिल्कुल मिला सर। आज से पहले कभी कंपोनेंट का इतना नॉलेज था क्या आपको? नहीं सर। अच्छा फिर उसके बाद? उसके बाद सर दोबारा सर प्रैक्टिकल का क्लास हुआ जी। वहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टेंस का पैचन का क्लास था। ओके सब अच्छे से वो भी सर किया सर। ओके और अभी किसी प्रकार का कोई डाउट है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि थर्मिस्टर किसी भी में थर्मिस्टर ढूंढ के बता दूँ तो बता? बिल्कुल सर बता सर। कितना समय लगेगा आपको? 5 मिनट लगेगा सर। डायग्राम के साथ साथ की बिना डायग्राम? बिना डायग्राम के। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, वेस्ट बंगाल से हूँ। तो अब्दुल मजीद आज सवेरे 7 बजे आए थे, जब क्या नॉलेज था और अभी रात के जो 7 बजे क्या नॉलेज था? एकदम जीरो था सर जी। मैं सुबह एमएनसी में रिवॉल्व कर चुका हूँ, 5-7 बार कर चुका हूँ जी। और कंपोनेंट का पहचान करवाया। हाँ सारे एक मिनट में कर दूंगा मैं चेक। और जी देव सर का क्लास था, बहुत बढ़िया था जी। और उसके बाद ये पूछना चाहूँगा कि सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? यस सर। एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल किया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऐसे भाई ऐसे मरे मत रिव्यू क्या दे रहे हो यार। जी सर। सो भाई 28 अप्रैल की बैच? यस सर। जोश है कि नहीं है? यस सर। किस किस में? आज मुझे बताओ सुबेरे ईएमसी आईसी को 5 बार से ज्यादा किस किसने रिवॉल किया? कोई एक जन तो ऐसा नहीं कि जिससे रिवॉल कम किया? हेलो मुझे बताओ आज की क्लास में हमने रजिस्टर और कैपेसिटर समझा? हेलो प्रैक्टिकल समझा? हेलो कोई यूट्यूब वाला ज्ञान? यूट्यूब से ऊपर मिला? सही तरीके का प्रैक्टिकल नॉलेज? कौन कौन चेक करने वाला है यहाँ से जाने के बाद? मुझे बताओ थर्मिस्टर 5 मिनट के अंदर कौन को धूल के देने वाला है? हेलो 1 मिनट के अंदर पक्का? और अभी मुझे बताओ आज पहले दिन में कैसा लग रहा है इस टेलीकॉम में? मतलब जैसा आपने सोचा था वो वैसा ही है? इससे ऊपर ऐसा लग रहा है कि सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यही जोश बरकरार रखना, समझे? देखो ठीक है। मजा किस किस को आया? आज पहली बार हुआ कि एक टीम जीती और उसका दूसरी टीम जो थी जो हारी थी वो फिर जीत। जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू।